ऐसे देखिए उठ गया और इसकी मस्ती स्टार्ट हो चुकी है। उठ गया बे, हैं? उठने में तो ही मस्ती स्टार्ट हो जाती है। ये देखो कैसे नाटक कर रही है। ओके गाइस, गुड मॉर्निंग, आई होप यू आर डूइंग वेल। वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका स्वागत है इसमें ब्लॉग में। तो अभी टाइम हो रहे 9 और हमको उठाया गबरू ने मेरे को, मेरे भाई को, क्योंकि हम ने रात को इसको खुला, मतलब हम लोग इसको जब घर पे हम दोनों अकेले रहते हैं तो हम लोग इसको बिना लीच के रखते हैं। तो ये सुबह उठा तो हम दोनों के बीच में आके बैठ गया और मस्ती करने लग गया। तो अभी जस्ट हम लोग उठे और ये बाहर आके देखो कैसे बैठा हुआ है, क्या ध्यान रख रहा है, कोई आया कौन नहीं आया। अभी इसको थोड़ा ब्रेकफास्ट कराऊंगा, थोड़ी देर खेल के मैं जाऊँगा फ्रेश होने के लिए और फ्रेश होके एडिटिंग करूँगा क्योंकि एडिटिंग बाकी है। एडिटिंग करने के बाद ब्रेकफास्ट, और आज तो संडे भी है तो संडे तो आपको पता ही है। जाऊँगा अभी फ्रेश होके, फिर जाऊँगा मंदिर, फिर आके ब्रेकफास्ट करूँगा एंड फिर एडिट करूँगा। तो जाते हैं जल्दी से ब्रेकफास्ट करते, जल्दी से नहाते तो मिलते फ्रेश होने के बाद। हूँ फ्रेश और अभी मैं जा रहा हूँ पहले मंदिर, फिर मंदिर से आके मैं ब्रेकफास्ट एडिटिंग वेडिंग करूँगा। तो जाते हैं जल्दी से मंदिर जा कर, तो मिलते हैं मंदिर जाने के बाद। तो वैसे मैं आ गया वापस घर पे और मेरा बाल को इग्नोर करना बहुत ख़राब हो चुकी है अभी। तो अभी मैं जाऊँगा ब्रेकफास्ट करने के लिए एंड ब्रेकफास्ट कर, ब्रेकफास्ट रेडी होने तक मैं वीडियो भी एडिट कर दूँगा क्योंकि 10-15 मिनट हो जाएगी। और ये कभी देख के बैठा हूँ मैं आपको बताता हूँ, को देखते ही है बैठ गए थे। सो गाइस, अभी टाइम हो रहे 2:30 और अभी जस्ट मैं खाना खा के आया हूँ, मतलब मैं मासी के घर गया था खाने के लिए, घर के बाजू में ही है तो खाना खाया और घबरू तो सो गया था। मैंने उसको मतलब उठा तभी मैंने उसको खाना खिला दिया था। तो अभी पता नहीं क्या करता होगा, जाते ऊपर और देखते। और वीडियो भी एडिट हो चुकी है, अब सिर्फ शेड्यूल करना बाकी है, तभी जाके शेड्यूल कर दूँगा, फिर देखते क्या करते हैं। वैसे अभी जस्ट मैंने वीडियो शेड्यूल की है और वीडियो शेड्यूल हो भी गई है और यहाँ पर घबरू सो गया है, ये देखिए कैसा सो गया है। अभी टाइम हो रहे 4:30, तभी उठेगा ये और 5:30-6 बजे तक फिर इसके साथ मस्ती करेंगे और अपने भी थोड़ा नाश्ता वास्ता कर लेंगे। अभी तो इतने भूख नहीं लगे क्योंकि मैंने अभी जस्ट मैंने भी खाया था 2:30 बजे। तो देखते भी क्या करते, थोड़ा बोर हो गया हूँ क्योंकि घर पे मैं अकेला ही बैठा हूँ और नीचे मेरा भाई, पता नहीं पापा के कुछ काम में बिजी है। तो देखते, सोच रहा हूँ कि जो व्लॉग्स बाकी है वो देख लेता हूँ या तो कोई मूवी देख लेता हूँ। ऐसे देखिए उठ गया और इसकी मस्ती स्टार्ट हो चुकी है। उठ गया बे, हैं? उठने में तो ही मस्ती स्टार्ट हो जाती है। ये देखो कैसे नाटक कर रही है। उसकी मस्ती स्टार्ट, ये इसका टॉय मैंने छुपा दिया तो वो कैसे ढूंढ रही है। और इसका टॉय टॉय भी नहीं है, पता नहीं कहाँ से उचक के ले आया है। कुछ ऐसा ढक्कन है, अभी देखना किधर आ गया, ये देखिए अभी किसी छलांग मारता, देखना यहाँ पे रखा। मेरे पास आ रही है, देखो रहा,
गया ये हो गया गायब। अब भागेगा यहां से वहां। अंदर घुस गया। इसको खेलने देते क्योंकि ये भी आज कंटा गया अकेले बैठे बैठे। तो अपने व्लॉग देखते हैं। गाइस अभी बज रहे हैं 7 और मैं व्लॉग भी लाइव हो चुका है और मैं भी जा रहा हूँ बाहर क्योंकि मेरे को थोड़ा काम है और मेरे फ्रेंड्स भी है। आज संडे तो हमारे लिए संडे फंडे होता है तो जाते हैं बाहर थोड़ा गेड़ी मारते भी आएंगे। तो अभी मैं जा रहा हूँ मेरे बड़प्पा के घर, वहाँ से फिर थोड़ा काम है वो कंप्लीट करके जाएंगे अलकापुरी साइड। हाँ अलकापुरी साइड जाने के मेरे को। और अभी गबरू को मैं छोड़ के जा रहा हूँ बाजू वाले घर में, मतलब सपना के पास रहेगा, उसका खाना भी रेडी हो जाएगा आधे घंटे में। तो मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। सो गाइस अभी टाइम हो रहा है 9 और अभी जस्ट मैं घर आया हूँ। अभी तक फ्रेंड्स भी नहीं, आप लोग देख ही रहे होंगे। तो मेरे को इतना लेट इसलिए हो गया था क्योंकि वहाँ सिटी में किसी का एक्सीडेंट हो गया था। कुछ छोटी बच्ची थी, मतलब 2-3 साल की थी, उसको भी थोड़ा लगा था। हम लोग गए थे अलकापुरी मेरे काम से जो मेरा अभी कंप्लीट हो चुका है। और अभी हम लोग आए थे ट्रैफिक से कंटा गया, इतना वहाँ ट्रैफिक था। ट्रैफिक से तो हम लोग बोर हो गए थे, इतना ट्रैफिक था कि गाड़ी चलाने की भी इच्छा नहीं हो रही थी। तो हम लोग कैसे भी करके घर आए। और अभी मेरा फ्रेंड भी यहीं पे ही है, वो मूवी कोई डाउनलोड कर रहा है कि रात का टाइम पास हो सके। और अभी गबरू ने भी खाना खा लिया है, सपना ने उसके लिए राइस और बना दिया पता नहीं। तो खा के गेट पे ही खड़ा था, हमारे वेट कर रहा था हमारा स्वागत करने के लिए। तो अभी मैं जाऊँगा फ्रेश व्रेश होऊँगा, फिर जाऊँगा खाना खाने के लिए बाजू के वाले घर में जो मेरी मासी का घर है। जाएंगे खाना ना खाएंगे और पता नहीं क्या करेंगे आगे। गाइस राजस्थान से मेरी तीनों बहनें आ रही है क्योंकि उनको भी कुछ शॉपिंग करनी है। तो कल सुबह वो भी वहाँ आ जाएगी, तो उसके लिए भी थोड़ा एक्साइटेड है। तो आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट सेक्शन में आपका बेस्ट पार्ट जो बताना। मिलते हैं कल, आज के लिए गुड नाइट।